हे गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है जाबिर और ये है मेरे पास एक फ़्लिपकार्ट का पैकेट जिसमें मैं मंगाया हूँ एक गन। और ये ओरिजिनल गन नहीं है, ये एक लाइटर गन है जिसको आज मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। और ये लाइटर गन कैसा दिखता है, ओरिजिनल जैसा दिखता है कि नहीं, और इसमें हमें बॉडी कैसा मिल जाता है, मेटल मिलता है या प्लास्टिक, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए ये बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें कैसा हमें लाइटर गन मिल जाता है जिसको आप शूटिंग वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप रील वगैरह बनाते हैं उसमें भी। तो चलिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है जो मुझे आज ही डिलीवरी हुआ है, तो चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो यहाँ हमें सील मिल जाता है, तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसा हमें मिल जाता है एक लाइटर गन। तो यहाँ मैं इसको कट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो बॉक्स पैकिंग हमें कुछ ऐसा मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ गन का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। तो इसको निकालते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं गन का फोटो दिया हुआ है जो सिल्वर कलर में है। और यहाँ पे साइड में भी देखें तो यहाँ पे हमें गन का फोटो मिल जाता है। तो इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं और गन को निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कट कर लिया हूँ और यहाँ से निकालते हैं गन को। तो देख सकते हैं गन हमें रखा हुआ मिल जाता है अंदर में, तो इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं गन को निकाल दिए हैं और बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, देख सकते हैं। तो ये सबको रख देते हैं साइड में और मेन बात करते हैं गन की। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं गन हमें कुछ ऐसा पैकेजिंग के साथ हमें देखने को मिल जाता है और ये सिल्वर कलर में है और ब्लैक कलर में। और यहाँ पे हमें एक पाउच भी मिल जाता है जिसमें आप गन को कैरी कर सकते हैं अपने कमर में लगा के। तो चलिए इसको निकालते हैं पन्नी से। तो यहाँ हमें रैपर लगा हुआ मिल जाता है, इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमें गन काफ़ी हैवी फील हो रहा है और हैवी लग रहा है, देख सकते हैं। और ये मेटल का भी लग रहा है, तो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर देख लेते हैं पाउच कैसा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा हमें मिल जाता है इसके साथ। तो ये काफ़ी अच्छा बात हो जाता है इसके साथ हमें यहाँ पे कैरी करने के लिए मिल जाता है पाउच गन को। और मेन बात करें गन की, तो गन हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें, यहाँ हमें मेटल देखने को मिल जाता है ऊपर में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और फील भी हो रहा है काफ़ी हैवी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये एक लाइटर गन है, ये ओरिजिनल गन नहीं है। तो यहाँ पे लाइटर गन है तो इसमें यहाँ पे आग भी निकलेगा। अगर आप रील वगैरह बनाते हैं, शूटिंग वगैरह करते हैं थोड़े बहुत, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पीछे होता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ स्लाइड हो जाता है। और ये पूरा मेटल का हमें मिल जाता है और ये भी पूरा मेटल का मिल जाता है। और इसका वेट की बात करें तो ये 500 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, ये काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे। और नीचे यहाँ पे मैगजीन हमें नहीं मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हमें गैस रिफ़िल करने का मिल जाता है, जिससे आप इसको फिर से रिफ़िल करके यूज कर सकते हैं लाइटर के लिए। और देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर गैस निकल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हमें ये लाइटर गन मिल जाता है और काफ़ी हैवी भी है, ओरिजिनल जैसा यहाँ पे फील होता है, लेकिन ये ओरिजिनल है नहीं। और इसको आपको खाली ऐसे करना है और काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरह से रिलोड हो जाता है, उसके बाद ऐसे आप इसको फायर कर देना है। तो ये काफ़ी ओरिजिनल जैसा हमें देखने को मिल जाता है, जो ओरिजिनल जैसा ही काम करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका और एक कलर आता है जो ब्लैक कलर में है, अगर आप ब्लैक कलर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसमें भी एक वीडियो आपको ला के दे दूँगा। वो वीडियो भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक कलर अच्छा रहता है या सिल्वर कलर। बाय द वे, मेरे पास और एक गन है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो वो मेरे पास से देख सकते हैं ये गन है, तो ये गन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था। अगर ये गन का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ये गन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका लुक काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है पूरा ओरिजिनल के जैसा, लेकिन ये फुल मेटल नहीं है, ये हमें मिल जाता है प्लास्टिक और ये खाली हमें मेटल का मिल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा हैवी ये मुझे लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं साइज़ का भी थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट मिल जाता है, ये थोड़ा छोटा है लेकिन ये काफ़ी हैवी लग रहा है। और इसका बात करें तो ये काफ़ी अच्छा लुक वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये हैवी वाइज ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें मेटल हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पे पीछे की तरफ स्लाइड होता है और इसको आप फायर कर सकते हैं। वैसे इसमें यहाँ पे गैस ख़त्म हो गया है, इसमें फिर से रिफ़िल करना होगा, तभी आप इसको लाइटर में यूज कर सकते हैं। वैसे मैं इसको रील वगैरह बनाने के लिए यूज करता हूँ, शूट के लिए, फ़ोटो शूट के लिए। तो बात करें ये गन के लिए, तो ये गन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे हमें एक होल्डर भी मिल जाता है जिसमें आप होल्ड करके रख सकते हो इसको, गन को यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, इसको लगा के यहाँ पे आप इसको ऐसे फिट कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है, इसमें आप अपने बेल्ट में लगा सकते हैं और ऐसे आप फिट करके यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसा हमें लुक्स मिल जाता है इसमें फ़िट करने के बाद, तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा हमें लुक्स मिल जाता है इसको फिट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, गन काफ़ी अच्छा है, अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फ्रेंड्स, आपको ये गन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।